हर रोज की तरह मैं एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो नए व्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग देख रहे हैं अपने अपने घर से, अपने अपने शहर से माता वैष्णो देवी के दरबार जनी त्रिकुटा पर्वत का ये खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह का। सबसे पहले ये मैं आपको ये मंदिर दिखा रहा हूँ। इस मंदिर का नाम है साथियों शंकराचार्य मंदिर। ये कटरा से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2 किलोमीटर की पहाड़ी पर आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर तक अभी तक कोई भी श्रद्धालु भक्त नहीं जाते हैं, क्योंकि ये मंदिर का जो कार्य है पूरी तरह निर्माण नहीं हुआ अभी तक। हालांकि अभी जो है श्राइन बोर्ड प्रशासन ने इस मंदिर के कार्य बनाने की या मंदिर का निर्माण करने की अनुमति दी है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ भी जो है श्रद्धालु जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। ये बाणगंगा है, बाणगंगा या बाल गंगा भी कह सकते हैं इसे आप। और ये नदी जो है बहुत पवित्र नदी है, जहाँ पर माता रानी के भक्त जो जा रहे हैं अपना अपना जो स्नान वगैरह कुछ लोग करके यहाँ से अपनी यात्रा आरम्भ करते हैं। जिस तरह गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में तो हर कोई श्रद्धालु जो है बिल्कुल बाणगंगा किनारे जो है नहा धो के सीधे अपने यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। और सामने जो मंदिर देख रहे हो साथियों, ये है आपको चरण पादुका का मंदिर। यहाँ पर आपको चरण माता रानी के मिलेंगे। ठीक इसके बाद 3 किलोमीटर जनी अगले पड़ाव अर्धकुंवारी, कुल मिला के 6 किलोमीटर हो गया बाणगंगा से। उसके बाद ये समूचा त्रिकुटा पर्वत है। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में मौसम का जो मिजाज है आज का बेहद सुहाना है। खूबसूरत मौसम है, सुहाना मौसम है, कोई ज़्यादा धूप नहीं है, बादल जो है छाए हुए हैं और ऐसे ठंडा कूल वाला मौसम बना हुआ है। अब मैं आपको ताराकोट मार्ग के भी दर्शन करा लेता हूँ। देखो ये ताराकोट मार्ग है, यहाँ पर कोई भी आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी नहीं मिलेगा, यानी पालकी वाले भी नहीं आएंगे, घोड़े वाले भी नहीं आएंगे, पिट्ठू वाले इस रास्ते पर चलते हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ से आप लोग जो हैं लंगर की सुविधा भी ले सकते हैं, यानी लंगर 24 घंटे मिलता है खाने के लिए प्रसाद वगैरह इस वाले रास्ते में। और ये रास्ता भी वहीं आपको मिलाएगा, यहाँ अर्धकुंवारी है। तो ये पूरी जो साथियों वीडियो है, ब्लॉग है मेरा, इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जम्मू कश्मीर खासकर वैष्णो देवी अगर आते हैं तो यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ या एवं मौसम से जुड़ी जानकारियाँ घर बैठे ही आपको प्राप्त हो जाएं। साथियों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि डेली यात्रा ब्लॉग पर 5000 सब्सक्राइबर आपने करने हैं 5K, और 1K से लेकर यानी 1 सब्सक्राइबर से लेकर 5K तक का जो सफ़र मेरा है आने वाले दिनों में पूरा होना चाहिए आप सबकी सपोर्ट से। तो सपोर्ट आपने लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपनी फैमिली में अपने दोस्त जितने भी रिश्तेदार हैं सबको शेयर करनी है वीडियो। आने वाले दिनों में अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन पे मेरा मेल आईडी है, कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो नाराज़गी जाहिर करते हैं। मगर आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना है। आप लोगों ने फ़ोन करने के बजाय व्हाट्सअप मैसेज करने के बजाय, वैसे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा देरी से करूँ। और आप लोग मेल पे कीजिए, मेरी मेल आईडी आपको मिलेगी। यूट्यूब चैनल पे जाइए, डेली यात्रा ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी ज़रूर मिलेगी। वहाँ पर अपनी जो ट्रैवल के संबंधी, मौसम के संबंधी, यात्रा के संबंधी कोई भी इंक्वायरीज आप मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि इमीडिएटली आपको रिप्लाई करने का। तो फिलहाल ये थी साथियों आज की वीडियो, आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई छोटी मोटी जानकारियाँ, प्राथमिक जानकारियाँ पसंद आती होंगी। तो फिलहाल मैं ले रहा हूँ आज के लिए अनुमति। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।